एक जेनरेशन गैप है और उन्हें नहीं पता, उन्होंने वो देखा है 9 to 5 वाला हो जाएगा, समझना भी और समझाना भी अपने पेरेंट्स को, दैट स्काई इज द लिमिट. दैट इज द कोर रीजन टिप्स फॉर पेरेंट्स, जहाँ पर बींग अ पेरेंट आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप. वो एंड अप करे किसी गलत स्टेप को लेकर, हैप्पी हेल्दी पीसफुल एंड आपने सोचा है कि मेरा बच्चा ये करना चाहिए, उसके साथ आप उस पाथ में नहीं चल सकते हैं. हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं विश करती हूँ कि आप सब बहुत ही हेल्दी हैप्पी एंड यू नो पीसफुल होंगे अपने घर में और अपने फैमिली के साथ. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. और इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है उसका जो टॉपिक था वो था हाउ टू चूज योर करियर वाइजली. ओके, सो उसी वीडियो के एक्सटेंशन में हम एक और वीडियो आज बनाने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स. बिकॉज अब आपने तो डिसाइड कर लिया कि आप क्या करियर चूज करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, बट अब बात आती है कैसे अपने पेरेंट्स को या फैमिली को कन्विंस करें अपने करियर गोल के लिए. तो इस वीडियो के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी मैं आपको इस वीडियो में, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बातों को डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी वीडियो के बारे में. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रो में बता दिया है. उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड आई विल मेंशन समवेयर हेयर, ठीक है, सो दैट आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आ जाए. फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई योर करियर पाथ, ठीक है. अपने करियर को जो आप सोच रहे हैं कि आप अपना करियर उस पर्टिकुलर फील्ड में बनाना चाहते हैं, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, उसे आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छे से इंट्रोस्कोप कीजिए चीज़ों को कि क्या एक्चुअल में ये एक पाथ ऐसा है जहाँ पर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है. सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर ले कि ओके दिस इज द करियर पाथ जहाँ पर मुझे अपना करियर सेट करना है या मुझे परस्यू करना है और मैं इसी चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, यू नो, और मैं इसी चीज को परस्यू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपनी लाइफ में. नाउ सेकेंड स्टेप इज टू रिसर्च अबाउट इट. रिसर्च प्रॉपरली, उस बारे में अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, वो फील्ड का स्कोप क्या है, कैसे कैसे उस फील्ड में क्या चीज़ें होती हैं, हर चीज उस फील्ड के बारे में इनसाइड आउट आपको पता होना चाहिए. बिकॉज जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने जाएंगे अबाउट सर्टेन करियर ऑप्शन, यू नो, और अबाउट एनी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन, आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? आप उन्हें बताएंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे उस टॉपिक के बारे में या उस करियर पाथ के बारे में. फॉर सपोज आपको डिजिटल मीडिया में जाना है या फिर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर आपको यू नो यूट्यूबर बनना है, तो अब ये फील्ड ऐसा है जो शायद हमारे पेरेंट्स की टाइम पे, मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जब अपना करियर यू नो ऑप्ट कर रही थी उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं था. तो हो सकता है कि ये करियर ऑप्शन उनके लिए बहुत इजी ना हो अंडरस्टैंड कर पाना, क्योंकि एक जनरेशन गैप है और उन्हें नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसमें किस तरीके से करियर बनाया जा सकता है, यू नो, क्योंकि उन्होंने जॉब के टाइम पे, मतलब उन्होंने वो देखा है 9 to 5 वाला एक पैरामीटर की ओके इफ यू आर वर्किंग समवेयर यू आर गोइंग लाइक 9 to 5 जॉब के लिए एंड यू नो सो एंड सो. तो अब घर बैठ के आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं या ट्रैवल व्लॉग्स बनाकर कैसे बना सकते हैं, ये समझाना अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा इनिशियली शायद मुश्किल हो सकता है फॉर दोज पेरेंट्स जो शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इन चीज़ों को, ठीक है, या उन्हें उतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है. तो सबसे पहले अगर आप रिसर्च प्रॉपर करेंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा समझना भी और समझाना भी अपने पेरेंट्स को कि किस तरीके से मैं इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहती हूँ. मैं फॉर सपोज मैं अपने पेरेंट्स को समझा रही हूँ कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले रिसर्च खुद अंडरस्टैंड करूँगी कि इस टॉपिक में क्या क्या है, क्या स्कोप है इसका, यू नो, किस फील्ड में मैं जा सकती हूँ, किस तरीके से ये फील्ड ऑपरेट करता है, इसके क्या प्रोज हैं, कौन से हैं,
हर पैरामीटर को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपने उसके बारे में रिसर्च कर लिया. ठीक है, रिसर्च करने के बाद आप अंडरस्टैंड करवाइए अपने पेरेंट्स को कि आपका पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन को लेकर क्या विजन है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी जो सोचने की जो लिमिट्स हैं. यू नो मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्काई इज द लिमिट. ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप किस लेवल तक अपने इस करियर को लेकर जा सकते हैं. तो फाइनली अब आपने विजन भी बता दिया अपने पेरेंट्स को. अब बात आती है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो उनके कंसर्न्स हैं जितने भी, उसका रीज़न क्या है. देखिए, बिकॉज सारे पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली इसलिए ही आपको किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज करते हैं या किसी एक काम को या करियर ऑप्शन को यू नो ऑप्ट करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत सिक्योर है और आप उसमें एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं और आप एक स्टेबल फ्यूचर यू नो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं. आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि वो जो सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली वो उनकी केयर है, कंसर्न है. ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इसे किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना पेरेंट्स के एंड पे और इक्वली बच्चों के एंड पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप उनका पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि वो किस हिसाब से, किस वजह से सारी चीज़ें आपको बोल रहे हैं, या उनके जो छोटे छोटे कंसर्न्स हैं वो अल्टीमेटली आपके बेनिफिट के लिए ही हैं. तो आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, बैठ के आराम से समझाइए कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, अपने देखने के तरीके को, अपने देखने के यू नो अपने प्लान्स क्या हैं आपके उस पर्टिकुलर करियर को लेकर. वो सारी चीज़ें उन्हें बैठ कर आराम से समझाइए. तो आई होप ये आपको कन्विंस करने में हेल्प करेगा. और जितना ज़्यादा डीप रिसर्च आप करके जाएंगे अपने पेरेंट्स के आगे, तो उतना कॉन्फिडेंटली आप अपने करियर के लिए या उस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए फाइट बैक कर पाएंगे और समझा पाएंगे अपने पेरेंट्स को और कन्विंस करवा पाएंगे अपने पेरेंट्स को कि आपको वो हेल्प करें और सपोर्ट करें उस पर्टिकुलर करियर को फॉलो करने के लिए. ओके, नाउ ये थी हमने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव पे बात की. सो अब हम बात करेंगे पेरेंट्स के बारे में, एंड आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स फॉर पेरेंट्स, जहां पर हम ये बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं और यू नो आप उसके पर्सपेक्टिव को और उसके एक यू नो सेट गोल को अचीव करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं. अल्टीमेटली बीइंग अ पेरेंट, आपका पर्सपेक्टिव है कि यू नो आप अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं और एक ऐसा करियर पाथ चाहते हैं कि वो फॉलो करे जहाँ पर उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो और सेफ हो. राइट, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है. बीइंग अ पेरेंट आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है. ठीक है, बट इक्वली आपके बच्चे को किस करियर ऑप्शन में खुशी मिल रही है वो अंडरस्टैंड करना बीइंग अ पेरेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर वो एक कोई ऐसा करियर ऑप्ट कर भी लेता है जहाँ पर उसकी मर्जी नहीं है बट वो आपके कहने पे कुछ ऑप्ट कर भी लेगा, तो वो लॉन्गर टर्म के लिए वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. सेकेंड चीज़ जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगी, स्टार्ट गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर चाइल्ड. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि सही एज में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू नो सिखाना कि अच्छा उस बच्चे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने डिसीजंस खुद बना पाए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना आपको शुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे लाइफ में विद एज. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बिकॉज उसके वजह से ना आपका बच्चा का डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन पाएगा फॉर हिज करियर ऑल्सो एंड फॉर हिज लाइफ ऑल्सो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. थर्ड पॉइंट जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगी, दैट इज़ अंडरस्टैंड विजन ऑफ योर चाइल्ड. ठीक है, अपने बच्चे का विजन अंडरस्टैंड कीजिए. हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सोच रहा है जो शायद आपके आसपास के लोग नहीं सोच पा रहे हैं, यू नो मे बी उसका विजन कुछ डिफरेंट है, यू नेवर नो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि उस बच्चे का विजन क्या है और उसे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपका बच्चा सबसे पहले आपसे ही यू नो एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है
तभी वो बाहर जाकर सोसाइटी से फाइट बैक कर सकता है अपनी चीज़ों के लिए. सो बी देयर सपोर्ट वेरी स्ट्रांगली. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप. लास्ट पॉइंट, डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड. डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड इन अ वे कि जहाँ पर वो बहुत उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर या उस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर या उस पर्टिकुलर करियर को लेकर प्रेशराइज फील करे कि अगर ये नहीं हुआ तो वो एंड अप करे किसी गलत स्टेप को लेकर. तो प्लीज़ ये बहुत सेंसिटिव होना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है और एम्पैथी रखना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना उसे रिड्यूस कर रहा है. ठीक. सो बेसिकली जब उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा आपका चाइल्ड. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसे प्रेशराइज मत कीजिए और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. उसे एक हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल एनवायरनमेंट देने की कोशिश कीजिए अपने घर में, सो दैट आपका बच्चा वो कंफर्ट फील कर पाए, वो कंफर्टेबली आपसे हर चीज़ बता पाए कि उसे क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. अदरवाइज समटाइम्स इट्स लाइक कि बच्चे को वो करियर में उससे वो पढ़ाई हो नहीं पा रही है बिकॉज उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है. अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है. ठीक है. उसको कुछ ऐसा बर्डन मत दे दीजिए कि वो उसका पोटेंशियल उतना नहीं है बट आपने सोचा है कि मेरा बच्चा ये करना चाहिए. नहीं, ऐसे नहीं होता है. अंडरस्टैंड कीजिए कि आप भी बिकॉज वो पर्टिकुलर उसका करियर है, उसकी लाइफ है. ठीक है. आप बीइंग अ पेरेंट कंसर्न है, दैट इज अ डिफरेंट पैरामीटर, बट अल्टीमेटली आपके बच्चे की लाइफ है तो उसे उसके हिसाब से डिसीजंस लेने दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने दीजिए, सो दैट वो सही पाथ. हाँ, आपका काम है उसको सही पाथ दिखाना, बट उसके साथ आप उस पाथ में नहीं चल सकते हैं. तो उस करियर को ऑप्ट करने के लिए उसे ही, आपके बच्चे को ही वो पाथ फॉलो करना पड़ेगा. सो प्लीज़ उसको ऐसे प्रेशराइज मत कीजिए सो दैट वो ना तो जो आप चाहते हैं वो कर पाए और ना वो कर पाए जो वो खुद से चाहता है आपका बच्चा. तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो थोड़ी सी. और बीइंग अ पेरेंट आप भी इस बात को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए. एंड फॉर स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भी कंसर्न्स आपके पेरेंट्स के हैं वो बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो शायद वो आपकी सेफ्टी और आपके बेटर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं. तो दोनों चीज़ें, दोनों आपस में बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो एक बैठ के बात कीजिए घर में और अच्छे से कोई एक मिडवे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप कौन सा करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. और सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को. और बच्चों से मैं कहूँगी कि अंडरस्टैंड कीजिए अपने पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव और उन्हें क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं. ओपन अप होकर एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. बात करने से ही कोई सोल्यूशन निकलता है चीज़ों का. तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी आपस में बैठ के प्लीज़ बात कीजिए और देन एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए. आई एम श्योर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा. और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो. अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और आपके जो भी नोन्स हैं आपको लगता है कि वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो सकती है तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा. और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. लॉट्स ऑफ लव. बाय.